हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रुषाज रेसिपी। मैं त्रुषा। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी, टेस्टी और मजेदार गुआर फली और आलू की सब्जी। गुआर फली की सब्जी आप घर में तो कई बार बनाते होंगे, पर मेरी गारंटी है आप एक बार मेरी तरह से बनाकर देखो तो ढाबे की सब्जी भी आपको फीकी लगने लगेगी। गुआर फली की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा सामान का यूज नहीं किया हुआ है। जो भी घर में रूटीन मसाले का प्रयोग हम करते हैं, इससे ही हम ये मसालेदार चटपटी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी और मसालेदार सब्जी। 250 ग्राम गुआर फली को मैंने ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हमें पहले प्रेशर कुक करना है। प्रेशर कुक करने के लिए गुआर फली को धोकर मैंने कुकर में डाला हुआ है। कुकर में हमें आधे ग्लास के करीब पानी डालना है और थोड़ा सा नमक। एक बड़े आलू को मैंने छीलकर रखा हुआ है। कुकर में हमें एक डिश रखनी है गुआर फली के ऊपर। उस पर हमें आलू को टुकड़ों में काटकर डिश में रख देना है, जिससे आलू भी गुआर फली के साथ बॉईल हो जाए। कुकर को बंद करके हमें मीडियम फ्लेम पर 3 विसल लगानी है। हो चुके हैं, अब हम एक बार गुआर फली और आलू को चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे आलू और गुआर अच्छे से बॉईल हो चुकी है। गैस पर हम एक पैन को गरम करने रखना है। पैन में हमें 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालना है। आपको अगर तेल कम खाना पसंद हो तो आप इसे कम कर सकते हो। गैस को हमें स्लो टू मीडियम पर रखना है। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम एक मसाले की पेस्ट बना लेंगे। मसाले की पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 से 15 नंग लहसुन की कलियां ली हुई है। इसे हमें कूटने वाले बर्तन में ही बनाना है, तो ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप मिक्सी में पीस लोगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा नहीं। इसके लिए हमें ये कूटने वाले बर्तन में ही इसे कूटना है। लहसुन की कलियां को हमें दर दरा पहले पीस लेना है। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ लहसुन को दर दरा कूट लिया है। लहसुन के कूट जाने के बाद मैंने यहाँ 2 चम्मच जितना मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना नमक और 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया हुआ है। इसे हमें लहसुन के साथ ही कूट लेना है। कूटा हुआ लहसुन है, उसमें हमें ये सब मसाले डाल देने हैं। इसे हमें फिर से एक बार कूट लेना है। लहसुन और मसाले की हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार करनी है। मैं यहाँ पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने से हमारी पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ऐसे सब्जी बनाने से जो पहले हम सिलबट्टे में बना कर पीसते थे मसाला, ऐसा टेस्ट आएगा सब्जी का। आप देख सकते हो एक स्मूथ मसाले की पेस्ट बनकर रेडी है। इसमें हमें और थोड़ा पानी मिलाना है, जिससे हम मसाला तेल में डालें तो मसाला जल ना जाए। एक तरफ हमने मसाले की पेस्ट रेडी कर दी, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तेल के गर्म हो जाने के बाद हमें 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन और 2 चुटकी जितनी हींग डालनी है। अजवाइन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हमने जो मसाले की पेस्ट रेडी कर रखी है वो तेल में डाल लेनी है। मसाला डालते समय गैस को स्लो टू मीडियम ही रखना है। मसाले को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को भूनने में हमें करीबन
तीन से चार मिनट लगेंगे। मसाला हमारा भून रहा है, तब तक हम दो चम्मच दही को फैट लेते हैं। दही को हमें मसाला भून जाने के बाद ही डालना है। दही की गांठें रहनी नहीं चाहिए, जिससे दही की एक स्मूथ पेस्ट तैयार करनी है। आप देख सकते हो कि मसाले में से भी तेल अलग होने लगा है, और हमें इसे चलाते हुए एक से डेढ़ मिनट तक पकाना है। कोई भी सब्जी बनाते समय हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाला अच्छे से भुना होगा तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक से डेढ़ मिनट हो चुके हैं, हमारी मसाले वाली ग्रेवी बनकर तैयार है। ये मसाले में हमें अब फैटी हुई दही को डालना है। दही को डालकर हमें कॉन्स्टेंट चलाते रहना है, जिससे हमारी दही फटेगी नहीं। अगर हम दही डालकर अच्छे से चलाएंगे नहीं, हमारा दही फटने का डर रहता है, इसलिए हमें इसे कॉन्स्टेंट चलाते रहना है। ये सारी प्रोसेस में हमें गैस को स्लो टू मीडियम आंच पर ही रखना है। दही भी हमारे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा सारा तेल अलग हो चुका है, आप देख सकते हो। बस इस स्टेज पर हमें उबले हुए आलू और गुआर फली डालनी है। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो गुआर फली का पानी भी आप डाल सकते हो। गुआर को ऐसे ही छन्नी से निकाल कर डालना है। गुआर और आलू को हमें अच्छे से मसाले में एक बार मिक्स कर लेना है। गुआर फली और आलू को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको अगर तरी वाली सब्जी चाहिए तो जो गुआर उबालते समय हमने पानी डाला हुआ है, जो हमारे पास बचा हुआ है, वो आप इसमें डाल सकते हो। इसे हमें अब स्लो टू मीडियम गैस पर 5 मिनट तक ढककर पकाना है, जिससे ग्रेवी और सब्जी अच्छे से पक जाए। इसे हमें ढककर 5 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट जैसा हो चुका है, हम एक बार सब्जी को चेक करते हैं। हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इसे हम सर्व करते हैं। हमारी टेस्टी गुआर आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा या बाजरी की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी टेस्टी बनी हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।